मोदी सरकार में मंत्री अनंत कुमार हेगड़े के संविधान बदलने वाले बयान के बाद अब यूपी में बाबा साहेब के नाम को लेकर नया मामला सामने आया है। बीजेपी सत्ताहीन राज्य यूपी में अब संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम बदला जाएगा। बताया जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ अब उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल का नाम भी जोड़ा जाएगा। राज्यपाल राम नाईक की सलाह के बाद इस फैसले को लिया गया है। अब उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर होगा। आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक ने इसको लेकर 2017 में एक कैंपेन चलाया था। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद आधिकारिक रूप से नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बाबा साहेब का नाम बदलकर ही उनको समझा जाए, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनको समझने के लिए उनके विचारों को समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहेब को अपना मसीहा मानने वाले बहुजन समाज के लाखों लोगों ने भी उनके साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये वो तबका है जो बाबा साहेब को ही अपना भगवान मानता है, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर सियासत करती आई है। अब जब योगी सरकार में राम का नाम बाबा साहेब के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका क्या मकसद हो सकता है? क्या ऐसे में ये माना जाए कि राम का नाम बाबा साहेब के साथ जोड़कर उस तबके को अपनी ओर खींचने की कोई सियासी चाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।